नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में ट्रक ट्रांसपोर्टरों ने पुलिस के ऊपर ट्रक मालिकों और वाहन चालकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ऐसे में आज काठगोदाम में ट्रक मालिकों और वाहन चालकों की ओर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ हड़ताल की गई। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके लिए आपको ले चलते हैं न्यूज 31 उत्तराखंड के संवाददाता राकेश जोशी के साथ। 40,000 50,000 1,00,000 तक के चालान हो रहे हैं एक ही गाड़ी के साथ चलाने एक दिन में। तो यहाँ से लेकर पहाड़ तक कहीं 500 की एंट्री हो रही है, कहीं 100 की एंट्री हो रही है, कहीं 400 की एंट्री हो रही है। न्यूज 31 इस समय पहुंचा हुआ है काठगोदाम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे तमाम जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं वो यहां पे आज हड़ताल में बैठे हुए हैं। आखिर ये क्यों हड़ताल में बैठे हुए इनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्यों आप लोगों ने यहां पे हड़ताल कर रखी है। देखिए, यहां पर जो हमारा धरना परिषद है, जो भी हड़ताल चल रही है यहां पर, इसमें किसी भी, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक मामला नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो जितने हमारे जो दिख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, सब गाड़ी वाले हैं, सब कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी उत्तराखंड में, यहाँ पर हमारे यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ से लेकर पूरे कुमाऊं में पुलिस प्रशासन का ऐसा हो रहा है कि हर चौकी पे, हर थिए जहाँ पर पुलिस का थिए वो बना हुआ है, चौकी बनी है, हर जगह चालान हो रहे हैं। 40,000 50,000 1,00,000 तक के चालान हो रहे हैं। गाड़ी चालान क्यों हो रहे हैं? आपके पेपर पूरे नहीं है, इस वजह से चालान हो रहे हैं? पेपर पूरे होने के बाद भी चालान, पेपर पूरे हैं उसके बाद भी सारी कुछ डॉक्यूमेंट चेक करे, ये सारे डॉक्यूमेंट ओके हुए, सब कुछ ओके है, जबरदस्ती चालान 200 का, कम से कम 200 का चालान है हमारे पास। निकाल सरकार से डंडा है कि हमें चालान करना ही करना है, हमें ये सुनने को मिल रहा है। अंडरलोड वाहन में भी चालान हो रहे हैं? बिल्कुल, अंडरलोड वाहन में भी चालान हो रहे हैं। तीन तीन एक 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 ड्राइवर क्या होता है, देखिए अपने बच्चों को पालता है, उसके बाद एक ड्राइवर से ही रोजी रोटी है, ठीक है, उसी में उसका देखिए डीएल 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाता है, 3 महीने तक पेट से खाना नहीं खा सकता है। अभी अभी देखिए, अभी कोरोना महामारी से कोई काम नहीं था, सारा काम बंद था, आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति, सब भुखमरी की स्थिति आ गई थी। अभी जैसा काम रन पे चला है तो 40,000 50,000 60,000 70,000 के चलाने एक हफ्ते में हो रहे हैं। ये बताइए, ये क्या कहा है, कमाई है क्या है, आदमी क्या खाएगा? ये तो ऐसे, तो ये देवभूमि में ऐसे काम होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपने क्यों यहाँ पे हड़ताल करी और क्या मांग करते हैं अब? हम चाहते हैं कि सीपीओ और पुलिस जो उत्पीड़न कर रही है और जीता जागता सब पूछे, एक ही गाड़ी के साथ चलाने एक दिन में ये हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस एक चालान होता है, ये हमारी मित्र पुलिस है, पूरा उत्तराखंड जो गाड़ी वाला है हमारा, एक राजधानी में एक चालान होता है। हम चाह रहे ना, जो मांग ये हम चाह रहे हैं कि आप बताएं आपकी क्या मांग। भाई सर, हम चाह रहे हैं कि सीपीयू और ट्रैफिक, ये जो मामला पुलिस से ही हटा दे मामला, मात्र आरटीओ और टीआई और ट्रैफिक पुलिस को मामला दे दे, हम उसमें खुश है। पुलिस वाले तो यहाँ से लेकर पहाड़ तक कहीं 500 की एंट्री हो रही है, कहीं 100 की एंट्री हो रही है, कहीं 400 की एंट्री हो रही है, हर गेट में एंट्री, कहाँ से लाएगा एक मोटर मालिक? बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो ट्रांसपोर्टर लोग है उनका सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप है कि उनके ऊपर यहाँ पे उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और उन लोगों की मांग है कि यहाँ पे पुलिस से हटा के सीपीओ से हटाकर इनका जो चालान की जो प्रक्रिया वो सिर्फ आरटीओ करे, और अगर इन लोगों की जो मांग है अगर वो यहाँ पे पूरी नहीं की जाती है तो यह समस्त जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं वो उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पे बाध्य होंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।